हेलो दोस्तों, एक बार फिर आ चुका हूं आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो होने वाली है काफी अमेजिंग और काफी यूनिक गाइस, क्योंकि आज है गाइस हमारे पास तरह तरह की चीजें गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना इन सब में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वीक फैमिली की तरफ से। और दोस्तों, जब भी आप कमेंट करते हो ना, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो, जिससे मुझे आपका नाम याद हो जाए। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूं। आज के कलेक्शन में गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी प्यारी सी एक मिनी माउस की पेंसिल शार्पनर। दोस्तों ये काफी सुंदर है और इसकी क्वालिटी देख के ना आप हैरान होने वाले हो। और इस पेंसिल शार्पनर को ना मैंने 300 रुपीज का परचेज किया। चलो दिखाता हूँ, निकालता हूँ बॉक्स से और फिर दिखाता हूँ आपको ये पेंसिल शार्पनर। दोस्तों इसमें टेप लगी है शायद चारों तरफ से, या नहीं लगी पता नहीं, तो शायद चारों तरफ से टेप लगी। टेप हटा लेते हैं दोस्तों, इधर से भी टेप हटा ली। और ये देखो दोस्तों हमारी मिनी माउस, ओहो वाओ यार काफी जबरदस्त। और देखो कितना बड़ा शार्पनर है यार, देखो मेरे हाथ से भी बड़ा है। क्वालिटी देखो दोस्तों, है ना काफी सुंदर काफी प्यारा। कलर कॉम्बिनेशन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है यार, ये देखो काफी अमेजिंग। और इसके अंदर गाइज हम पेंसिल डालेंगे और फिर पेंसिल को शार्प करेंगे दोस्तों, और सारा कूड़ा गाइज हमारे इसके फ्रॉक के अंदर आ जाएगा दोस्तों। ये देखो इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस है जिसमें हमारा सारा कूड़ा आ जाएगा दोस्तों। क्वालिटी काफी जबरदस्त है गाइज। अगर आप इस पेंसिल शार्पनर का गिवअवे चाहते हो तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो मैं आपको एक पेंसिल शार्प करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये पेंसिल कैसे शार्प करती है और किस तरह से शार्प करती है। बट ये मिनी माउस जो है ना काफी अमेजिंग लग रहा है यार, मेरे को तो काफी जबरदस्त लग रहा है यार। बट ये एक लकी विनर को मिलेगा दोस्तों विविक फन की तरफ से, बस आप कमेंट करके बताना बिना स्किप कर पूरी वीडियो एंड तक देखना। और कमेंट में लिखना भैया प्लीज इस मिनी माउस का गिवे करो भैया, जब मैं इसका गिवे करूंगा देखूंगा किसके किसके ज्यादा कमेंट आते। अगर गिवे का ज्यादा कमेंट आएगा जब ही दोस्तों इस पेंसिल शार्पनर का मैं गिवे करूंगा। चलो पेंसिल को शार्प करके दिखाता हूँ ये कैसे पेंसिल शार्प करती है। तो मैं ले आया हूँ पेंसिल और ये देखो दोस्तों इसके मुंह में घुसाऊंगा तो पेंसिल देखो अभी नहीं घुस रही है, तो पेंसिल कैसे घुसेगी। तो इस वाले पार्ट को हम इस तरह घुमाएंगे दोस्तों, देखो इस तरह घुमाएंगे और फिर पेंसिल अंदर घुसा देंगे दोस्तों। देखो दोस्तों काफी अमेजिंग है, देखो अभी भी पेंसिल अंदर नहीं घुसी है, तो फिर इसे इस तरह और घुमाएंगे फिर इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों पेंसिल को। ये पेंसिल को डाल दिया हमने, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। ये देखो इस तरह से शार्प करेंगे, देख सकते हो काफी अमेजिंग क्वालिटी से दोस्तों ये पेंसिल को शार्प कर रहा है। देखो काफी अच्छे से शार्प कर रहा है। अब निकालता हूँ और दिखाता हूँ ये पेंसिल दोस्तों। निकालने के बाद ये देखो दोस्तों कितने इजिली से कितने अच्छे से इसने पेंसिल को शार्प कर दिया दोस्तों, और सारा कूड़ा इसके फ्रॉक में आ जाएगा। देखो दोस्तों है ना काफी सुंदर काफी प्यारा सा पेंसिल शार्पनर दोस्तों। तो कैसा लगा ये पेंसिल शार्पनर दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी जबरदस्त सा एक पेंटिंग बोर्ड दोस्तों, और एज अ पेंटिंग बोर्ड आपने कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर तो पहले ये देखो हमें क्या क्या चीजें मिलती है। इसके अंदर तो गाइस हमें 8 क्रेयॉन्स कलर मिलते हैं, 6 मार्कर मिलते हैं, एक पेपर रोल मिलता है जो 3 मीटर का। ये देखो दोस्तों ये पेपर रोल है दोस्तों, ये 3 मीटर का यानी काफी लंबा पेपर रोल मिल जाता है। और इसके अंदर एक प्लास्टिक का ड्रॉइंग बोर्ड मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग। और इस पेंटिंग बोर्ड को दोस्तों मैंने परचेज किया 400 रुपीज का। निकालता हूँ बॉक्स से और ये देख सकते हो ये बोर्ड कुछ इस तरह का है। निकालते हैं बॉक्स से और दिखाता हूँ ये पेंटिंग बोर्ड दोस्तों। वाओ यार ये देखो कितना बड़ा पेंटिंग बोर्ड है, देख सकते हो क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। पन्नी से रैप है, फाड़ता हूँ पन्नी से, पन्नी फाड़ ली दोस्तों। ओह यार क्वालिटी काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। और इसमें तो देखो दोस्तों हमें तो पहले ये मिले 8, तो इसके अंदर तो हमें मिलते हैं 6 अलग अलग कलर के दोस्तों मार्कर काफी अमेजिंग से। और ये देखो दोस्तों इस हमें मिलते हैं इसके अंदर 8 क्रेयॉन्स कलर दोस्तों क्वालिटी। निकालते हैं क्रेयॉन्स कलर और क्रेयॉन्स कलर की क्वालिटी देख सकते हो काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है। साइज भी काफी जबरदस्त है दोस्तों क्रेयॉन्स कलर की। और दोस्तों इसे हटाएंगे तो इसमें गाइस हमें एक मिलता है काफी अमेजिंग सा एक गाइस स्टिकर। ये देखो दोस्तों एक स्टिकर मिलता है, इस स्टिकर को हटा के हम अपने इस व्हाइट बोर्ड पे चिपका लें, व्हाइट बोर्ड नहीं दोस्तों इस बोर्ड पे चिपका लेंगे। व्हाइट बोर्ड नहीं है दोस्तों, ये तो है ब्लू बोर्ड दोस्तों। और इसमें गाइस हमें 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं, ये देखो दोस्तों 2 छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलते हैं जिसके अंदर गाइस हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल ड्रॉइंग से रिलेटेड चीजें रख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ निकाल के, ये देखो इसे खोल लेते हैं और इसमें हमें मिलते हैं 1 कंपार्टमेंट और सेम कंपार्टमेंट दोस्तों हमें इधर मिलता है। ये देखो दोस्तों इसे भी खोल लेते हैं और फिर हम इसके अंदर गाइस हम अपना ड्रॉइंग का सारा सामान रख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और ये है दोस्तों पेपर रोल, पेपर रोल को भी दिखाता हूँ दोस्तों फिर हम कैसे इसके अंदर ड्रॉइंग करेंगे। इस पेपर रोल को इसके अंदर डाल देंगे और फिर इस तरह खींचेंगे और ये देखो दोस्तों फिर हम ड्रॉइंग करेंगे, काफी अमेजिंग है। फिर हम ड्रॉइंग कर लेंगे तो इसे फाड़ के फिर हम अपने दीवार पे चिपका लेंगे दोस्तों सीनरी को, और देखते हैं किस किस तरह के पिक्चर्स मिलते हैं। आपको और दिखाता हूँ खोल के, ये
देखो इस तरह डिजाइन है। पेपर रोल देख सकते हो दोस्तों, कितना बड़ा पेपर रोल है ये देखो, है ना, काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त पेपर रोल अपने आप खुलता रहेगा, जैसे जैसे आप खींचोगे पेपर रोल खुलता रहेगा, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। ये आपको पेंटिंग बोर्ड कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट है गाइस, हमारे पास काफी सुंदर और काफी प्यारा सा गाइस एक है गाइस ज्योमेट्री बॉक्स, और ये है दोस्तों पियानो वाला ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। इसके ऊपर पियानो बना हुआ है, बट ये 3D लुक में नकली सा पियानो बना है, और ये है कैप्टन अमेरिका की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। ओपन करके दिखाता हूँ इसमें दोस्तों हमें क्या क्या चीजें मिलती है, और ये है दोस्तों एक स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। ये देख सकते हो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है काफी सुंदर और काफी प्यारी सी एक वुडन पेंसिल दोस्तों, काफी अच्छी। और क्या मिलता है इसके अंदर, एक गाइस मिलता है हमें कैप्टन अमेरिका का ये गाइस इरेजर, और एक मिलता है गाइस इसके अंदर शार्पनर, काफी सुंदर और काफी प्यारा सा, और एक मिलता है हमें 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देखो काफी सुंदर सा गाइस। और गाइस इसे हटाएंगे तो नीचे गाइस हमें एक ट्रे मिलता है जिसके ऊपर गाइस टेबल देखने को मिल जाती है। इस ट्रे को हटाएंगे दोस्तों तो नीचे भी हमें एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर गाइस हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो काफी इजी से और काफी जगह बची है जिसके अंदर गाइस हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज किया 180 रुपीज का, और सबसे अच्छी बात है इसके पीछे गाइस हमें एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है दोस्तों। मार्कर तो नहीं मिला है दोस्तों, बट कोई बात नहीं, हम अब दूसरे मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पे अपना रफ वर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी प्यारी सी पेंसिल पाउच दोस्तों, और इसमें गाइस एक लॉक मिलता है, देखो दोस्तों एक लॉक मिलता है, इस तरह ओपन कर लेंगे दोस्तों, और इस लॉक को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों हम इसी पेंसिल पाउच में यूज करें, हम अपने बैग में यूज कर सकते हैं या किसी और ज्योमेट्री बॉक्स में इस लॉक को यूज कर सकते हैं। लॉक की क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। पासवर्ड गाइस 555 है, 555 को लगा के फिर इस तरह दबाएंगे लॉक खुल जाएगा दोस्तों। और फिर अब बात करते हैं दोस्तों इस पेंसिल पाउच की दोस्तों, काफी सुंदर काफी प्यारी सी पेंसिल पाउच है, और ये देखो दोस्तों इसमें लॉक कितना डिफरेंट है। इस लॉक को इस तरह घुमाएंगे जब ये पेंसिल पाउच ओपन होगी, देख सकते हो दोस्तों अगर ये इस तरह ओपन करेंगे तो ये पेंसिल पाउच ओपन नहीं होगी दोस्तों, लॉक को घुमाना पड़ेगा। लॉक घुमा लिया तो दोस्तों ये देखो दोस्तों इसमें हमें दो पॉकेट मिलती है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। एक पॉकेट में काफी अच्छा स्पेस है, छोटा सा पॉकेट मिलता है, पीछे भी दोस्तों एक काफी बड़ा दोस्तों हमें पॉकेट मिल जाता है जिसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है। आज फ्रंट में गाइस इसका डिजाइन देख सकते हो दोस्तों, कितना प्यारा डिजाइन बना है इस पेंसिल पाउच का दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये है गाइस प्रिंसेस की कैलकुलेटर वाली मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। ये देख सकते हो दोस्तों प्रिंसेस की कितनी जबरदस्त फोटो बनी है दोस्तों इसके ऊपर। फ्रंट में हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, और फ्रंट में ही दोस्तों हमें एक बटन मिलता है, और यहाँ देखो दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं दो शार्पनर, वाओ काफी अमेजिंग, साइज काफी जबरदस्त है। बैक साइड में दोस्तों प्रिंसेस की फोटो छपी है। ढक्कन ओपन करके दिखाता हूँ, ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है अंदर से, और इसके अंदर गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है, स्पेस काफी ज्यादा मिल जाता है दोस्तों इसके अंदर, जितना हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और ये देखो दोस्तों ओहो वाओ, इसके अंदर तो गाइस हमें एक LED लाइट भी मिल जाती है, ओए होए यार काफी जबरदस्त, काफी सुंदर यार, काफी अच्छी क्वालिटी की, यानी लाइट चली जाएगी तब भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्वालिटी काफी जबरदस्त है, रोशनी देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग है। चलो इसे बंद करते हैं, बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन ओपन करते हैं और दिखाता हूं दोस्तों ये ज्योमेट्री बॉक्स। बैक साइड के ढक्कन ओपन किया तो बैक साइड से दोस्तों ये देखो दोस्तों इसमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसके पीछे गाइस हमें टेबल भी देखने को मिल जाती है, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। ये पेंसिल बॉक्स काफी अमेजिंग है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। जो इसके अंदर कैलकुलेटर है ना वो काफी अमेजिंग है, इसके अंदर ट्रायल डालना पड़ेगा फिर हम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ये दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये कार काफी अमेजिंग है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा है ना वो काफी अट्रैक्टिव बना रहा है इस पेंसिल बॉक्स को, देख सकते हो दोस्तों देखो कितना अमेजिंग लग रहा है ना, कितना जबरदस्त यार काफी प्यारा। चलो ओपन करके दिखाता हूँ इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है। ओपन किया तो दोस्तों हमें इसमें ट्रे मिलती है, ये देखो ट्रे फंस गई है, और ये ट्रे है, और इसके ऊपर गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है, स्पेस काफी अच्छा है, और ये ब्लैक कलर की ट्रे है ना ये काफी अमेजिंग लग रही है, काफी जबरदस्त। और नीचे वाले कंपार्टमेंट में भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक है गाइस ये देखो दोस्तों पजल वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, देख सकते हो इसे इस तरह हटाएंगे और फिर हम पजल के साथ दोस्तों हम अपना टाइम पास कर सकते हैं, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग। ढक्कन ओपन करके दिखाता हूँ, ढक्कन ओपन करने के लिए दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड क्या है 346, तो 3 को गाइस हम ऊपर करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 लॉक है, तो 3 वाले लॉक को ऊपर करेंगे 3, और फिर हम 4 को ऊपर करेंगे, और फिर 6 को ऊपर करेंगे दोस्तों, फिर ऑन ऑफ का बटन है, इसे ऑन करेंगे और ढक्कन ओपन हो जाएगा। ढक्कन ओपन होते ही गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है अंदर से, और इसके अंदर गाइस ये देखो दोस्तों पेंसिल लॉक कितना जबरदस्त है,
1 2 3 4 5 6 पेंसिल लॉक हो जाएगी, जो काफी अमेजिंग है, स्पेस भी काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी प्यारी सी एक कैट वाली ज्योमेट्री बॉक्स, लुक देख सकते हो दोस्तों कितनी प्यारी है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। ओपन करके दिखाता हूं अंदर से कितना इंटरफेस है। तो ओपन करते गाइस हमें इसके अंदर गाइस काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, एक ट्रे मिलती है और नीचे भी दोस्तों हमें एक और कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें दोस्तों हमारा काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये है गाइस एक स्पेस वाला पेंसिल पाउच, क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है इस पेंसिल पाउच की, और ये देखो दोस्तों इसका की चैन देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है। इसे ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद कुछ इसमें सिर्फ पॉकेट मिलता है, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, और गाइस मैंने परचेस किया केवल 130 रुपीज का दोस्तों। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास LOL की दोस्तों काफी जबरदस्त और काफी प्यारी सी दोस्तों पेंसिल पाउच दोस्तों, देख सकते हो कितनी अमेजिंग है। फ्रंट में गाइस हमें LOL की डॉल मिल जाती है काफी जबरदस्त सी, और ये देखो दोस्तों पेंसिल पाउच छोटी और बड़ी हो जाती है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों काफी अमेजिंग है दोस्तों, और इसकी जो जिप है ना वो भी काफी जबरदस्त है। इसे ओपन करते हैं, अंदर का स्पेस दिखाता हूं, अंदर का स्पेस देखो दोस्तों कितना जबरदस्त कितना अमेजिंग है, और ये छोटी और बड़ी हो रही है ना, ये काफी जबरदस्त लग रही है मुझे तो दोस्तों। और चीज दिखाता हूं दोस्तों हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज है गाइस हमारे पास ये देखो साइड में हो गई थी दोस्तों हमारी ये ज्योमेट्री बॉक्स, काफी अमेजिंग, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी दोस्तों, पहले तो ये देख लो काफी जबरदस्त है और ये काफी अमेजिंग लुक में है दोस्तों, और इसमें एक हैंडल मिलता है जिसे हम काफी इजी से कैरी कर सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स को दोस्तों। इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दिखाता हूं दोस्तों इसमें कितना स्पेस है और इसमें दोस्तों हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो इसमें पासवर्ड है, पासवर्ड का हमें डालना पड़ेगा गाइस 245 दोस्तों, इन सारी चीज को नीचे कर देंगे दोस्तों, फिर यहां बटन दबाएंगे लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक ओपन होते गाइस हमें ये कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, और यहां पे भी दोस्तों हमें एक पासवर्ड मिलता है, पासवर्ड क्या है 134 दोस्तों, ये देखो 1 को भी नीचे कर देंगे, 3 को भी नीचे कर देंगे, 4 को नीचे कर देंगे, इस बटन को दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों यहां मिलता है हमें एक हिडन कंपार्टमेंट दोस्तों, काफी जबरदस्त सा काफी अमेजिंग सा दोस्तों, और यहां देखो दोस्तों हमें दो दो व्हाइट बोर्ड मिल जाता है दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों यहां भी हमें मिलता है एक काफी जबरदस्त सा कंपार्टमेंट, और ये है दोस्तों एक हिडन कंपार्टमेंट दोस्तों, वो कैसे यहां देखो इस तरह लॉक ओपन करेंगे तो ये देखो दोस्तों इसमें हमें मिलता है ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त सा स्पेस, और इसके अंदर भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। इधर हमें मिरर मिलता है दोस्तों, इस मिरर में दोस्तों हम अपनी फेस या कुछ भी देख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है दोस्तों। और गाइस ये देखो दोस्तों नीचे हमें एक मार्कर मिलता है, और नीचे भी दोस्तों हमें काफी अच्छा सा एक कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग, और इस मार्कर से दोस्तों हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं इस पे दोस्तों, इस व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज देखा, तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक और सुंदर सी और काफी प्यारी सी पेंसिल पाउच दोस्तों, ये देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, ये है मोटी जिप वाली पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी अमेजिंग है काफी जबरदस्त है, जिप देख सकते हो दोस्तों इतनी मोटी जिप मिल जाती है, और अंदर की बात करते हैं अंदर देखो दोस्तों कितना अच्छा स्पेस मिल जाता है, ये देखो फुटबॉल वाली ज्योमेट्री बॉक्स है पेंसिल पाउच है दोस्तों, अंदर स्पेस की बात करते हैं दोस्तों काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, जिसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों, बट इसका जो जिप है ना वो काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी प्यारा गुड लुकिंग लग रहा है दोस्तों ये पेंसिल पाउच दोस्तों। नेक्स्ट चीज दिखाता हूं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फरोजन का दोस्तों एक ज्वेलरी बॉक्स दोस्तों, ये काफी सुंदर सा ज्वेलरी बॉक्स है, और इसमें दोस्तों स्पेस देखकर ना हैरान हो जाएगा, क्वालिटी काफी जबरदस्त है, इसमें एक हैंडल मिलता है जिससे काफी इजीली से हम कैरी कर सकते हैं, इसमें हमें एक पासवर्ड मिलता है 236 दोस्तों, तो 2 को हम सारी पासवर्ड ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे, 3 को भी नीचे कर देंगे, 6 को नीचे कर देंगे, इस बटन को दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन हो गया, ढक्कन ओपन होते ही गाइस हमें यहां मिरर मिल जाता है, एक कंपार्टमेंट मिलता है जिससे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, और स्पेस काफी जबरदस्त है दोस्तों काफी अमेजिंग है, और नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है देख सकते हो दोस्तों, दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा ज्वेलरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, और फिर इस तरह हटाएंगे तो नीचे भी दोस्तों हमें एक और कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें काफी सारा हमारे ज्वेलरी आइटम आ जाएंगे, और मेकअप का भी सामान आ सकता है दोस्तों। ये गाइस स्टेशनरी बॉक्स नहीं है दोस्तों, ये है ज्वेलरी बॉक्स दोस्तों, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है दोस्तों, फॉरोजन की है। और दोस्तों आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, जब भी आप कमेंट करते हो तो ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कलेक्शन किसी भी टॉय अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस टॉय कलेक्शन टॉय अनबॉक्सिंग की वीडियो जरूर लेके आऊंगा गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ, बाकी बाय बाय दोस्तों, स्किप करें पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सब चीज में सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वी फैमिली की तरफ से, और दोस्तों जब भी आप कमेंट करते हो ना तो ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो दोस्तों।